आज जिस क्रिप्टो गेमिंग प्लेटफॉर्म की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जॉय राइड। जॉय राइड बेसिकली तीन चार गेम्स का जो कलेक्टिवली एक प्लेटफॉर्म है, जिनका अपना एक नेटिव टोकन है रेले टोकन RLY, जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के अंडर तकरीबन 7 से 8 गेम्स हैं। कुछ जो हैं वो अभी रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन जो 2 गेम्स हैं, एक सोलिटेयर ब्लिट्स यानी कि जो सोलिटेयर हम सिंपल खेलते आ रहे हैं सेम उसके जैसी, थोड़ा सा मैकेनिज्म उसका थोड़ा चेंज है, वो हम आगे चलकर बात करेंगे। और जो दूसरी लाइव गेम है वो है ट्रिक शॉट। ट्रिक शॉट सिंपली एट बॉल पूल जो है उसके जैसी है। और दोनों जो गेम्स हैं ये इस वक्त लाइव हैं। और एक और इनकी गेम है टेनिस चैम्प, जो कि टेनिस बेस्ड है, वो अभी नहीं आई लेकिन इस मंथ में जो है इनका इरादा है रिलीज़ करने का। तो सबसे पहले हम इनके जो टोकन है रेले टोकन उसकी बात कर लेते हैं। उसकी 0.04 जो है वो डॉलर उसकी प्राइस है। तो इसका जो ग्राफ है आप 1 डे का देख सकते हैं। ये जो कॉइन है ये काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। और इस कॉइन का जो है ये ग्राफ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो नेक्स्ट गेम है इनकी टेनिस वाली वो भी रिलीज़ होने वाली है। और ये जो गेम है ये काफ़ी अच्छा जो है इसलिए भी परफॉर्म कर रही है क्योंकि ये जो रेले टोकन है ये इसका नेटिव टोकन है और इसी से ही हम इस गेम में इन्वेस्टमेंट या विड्रॉ कर सकते। और दूसरी बात यह है कि हम बग़ैर इन्वेस्टमेंट के भी हम ये गेम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छी खासी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए हम अब सबसे पहले जो एक इजी गेम है ट्रिक शॉट ब्लेड्स पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम सोलिटेयर के ऊपर जाएंगे। क्योंकि सोलिटेयर जो है वो आप लोगों को पता है कि अक्सर औकात ऐसी गेम हमें मिल जाती है जिसके अंदर आगे जाकर कोई मूव हमारा नहीं बचता, तो हम उसको आगे प्ले नहीं कर सकते, तो एक बैड लक टाइप हो जाता है। तो अक्सर उसमें वैसा हो जाएगा और हमें गेम्स जो है वो जीतनी है, ना कि हम इस तरह करके हम हारनी है। तो इसलिए पहले हम सोलिटेयर को छोड़कर हम पहले 8 पूल बॉल जो है उसके जो से मिलती जो गेम है ट्रिक शॉट इनकी वो देख लेते हैं। तो चलिए जी, अब हम आ गए हैं इनकी ट्रिक शॉट पर, 8 पूल बॉल से जो मैच करती है इनकी गेम। तो इसका पहले मैं आप लोगों को इसका इंटरफेस बता देता हूँ सारी गेम का। सिंपल आपको ऊपर टॉप लेफ्ट पर आपको अपनी प्रोफाइल नज़र आ जाएगी, उसके ऊपर आपका सारा जो है जितने भी आपने गेम्स खेले या विंस वगैरह, और उसके नीचे जो है यहाँ पर जितने आपके रीसेंट मैचेस थे वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो मैंने ये 2 मैच के लिए, पहला मैच मैं जीता और दूसरा मैच जो है वो मैं हार गया। तो दूसरी बात यह है कि इसके जो है वो 2 टोकन है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि रेले टोकन जो है वो इनका मेन है, जो ये गोल्डन कलर का जिसका सिंबल है, और जो ये ग्रीन है ये इनका इन गेम करेंसी है। अगर आपको ये गेम जो है वो फ्रीली स्टार्ट करनी है और उसके लिए आपको जो है जाहिर सी बात है टोकन चाहिए इनके, ग्रीन भी और रेले टोकन भी, तो उनको आप अर्न करने के लिए और फ्री स्टार्ट करने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना रेफरल लिंक दे दूंगा। अगर आप उसके थ्रू जाते हैं और साइन अप करते हैं इस गेम में तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कुछ अमाउंट में जो है वो टोकन फ्री में जो है वो रिवार्ड के तौर पर दे दिए जाएंगे, जिसको आप यूज़ कर कर आप जो है प्ले कर सकेंगे। वरना आपको ये होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और फिर जाकर आप जो है वो गेम प्ले कर सकेंगे। तो अच्छा यही है कि आप लिंक से जाएं। बाकी ये है कि हम देख लेते हैं कि ये जो है ये हमारा पास है, यानी कि जिस तरह रॉयल पास सीज़न पास होता है आप लोगों का दूसरी गेम्स का, इस पास की ये खासियत है कि आप बग़ैर इन्वेस्टमेंट के इसके अंदर खेल सकते हैं, मिशन कर सकते हैं इनके। और मिशन बिल्कुल सिंपल, आप 10 से 12 मैच खेलेंगे तकरीबन टोटल मिशन हो जाएंगे। बाकी यह है कि सिंपल बग़ैर इन्वेस्टमेंट के हम जो है इनके जो पास की जो है कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखें 50 और ये 6 रेले टोकन और ये 4 60 और ये 2 62 रेले टोकन हम रोल सीज़न पास से जो है वो हम गेट कर सकते हैं, इसको हासिल कर सकते हैं। और ये जो सीज़न पास है ये 1 हफ़्ता रहेगा, हर हफ्ते, यानी कि आपको 62 रेले टोकन जो है वो फ्री में ही एक किस्म के मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा इसमें पूल भी है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिफरेंट लोगों से मैच लगाकर आप उसकी जो है, जैसा ये 85 है, ये तकरीबन 25 लोग हैं, तो 25 लोगों में 85 जो है वो डिवाइड होंगे, तो जिस तरह आपकी जोन रैंकिंग होगी आप उसके हिसाब से भी जीत सकते हैं।
बाकी अब हम इनका लीडर बोर्ड, अगर आप लीडर बोर्ड में भी ऊपर आते हैं तो आपको उसके भी टोकन जो है वो मिल सकेंगे। और ये लीडर बोर्ड इस्लाम लेवल 4 पे खुलेगा, जैसे ही लेवल 4 होगा मैं लीडर बोर्ड भी एक्सेस कर सकूँगा। तो दूसरी बात ये है कि मैंने सोलिटेयर ज़्यादा खेली है, ये कम खेली है, इसी वजह से इसका लेवल भी कम है। तो बाकी ये है कि इसके अंदर आपको मैं ये दिखाता हूँ कि जो ग्रीन टोकन से आप ये गेम खेल सकेंगे, इसका फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि आप सीज़न पास के जो मिशंस हैं वो आप कंप्लीट कर सकेंगे। लेकिन जो ये रेले टोकन से आप गेम खेलेंगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप ना सिर्फ मिशन कर सकेंगे बल्कि रेले टोकन से पे कर कर, जैसे कि ये 3 रेले टोकन को पे कर कर अगर हम जीतेंगे तो 5 रेले टोकन मिलेंगे, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप रेले टोकन को पे कर कर गेम खेलेंगे और रेले टोकन जो है वो ही अर्न करेंगे, जबकि सिंपल में आपको सिर्फ रॉयल पास के मिशन हो सकेंगे। लेकिन चूँकि रेले टोकन अब हम इतना ज़्यादा रिस्क हो जाएगा एक किस्म का, तो इस वजह से इसके अंदर क्योंकि रिस्क है तो इसके अंदर प्रॉफिट भी ज़्यादा है। तो बहरहाल आप रेले टोकन से अभी ना खेलें, जो मैं आपको बताता हूँ सिंपल सिंपल गेम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, वो इस तरह है कि आप मेरे रेफरेंस से जाएंगे तो कुछ रिवॉर्ड में आपको जिस तरह ही मुझे ऊपर है आपको ग्रीन टोकन भी मिल जाएंगे और इनका और रेले टोकन भी। तो वो जो रेले होंगे आपने उनको तो हाथ नहीं लगाना, गोल्डन वाले को आपने हाथ नहीं लगाना, आपने ग्रीन टोकन जो है इससे आपने जो है ये गेम प्ले करनी है। जिस तरह मेरे पास 155 है तो मैं इजीली ये 20 जो है पे कर कर ये इसके लिए गेम प्ले कर सकता हूँ। ये जैसे ही गेम प्ले करूँगा मैं ये टोकन रन करूँगा और साथ ही जो मेरे सीज़न पास के मिशन हैं वो कंप्लीट होते जाएंगे। तो कंप्लीट होंगे तो मुझे रेले टोकन जो है 62, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, वो सीज़न पास से मिल जाएंगे। फिर जो 62 रेले टोकन होंगे, मैं पहले एक सीज़न के मैं ग्रीन से खेलूँगा, ग्रीन से खेल कर 62 रेले टोकन विन करूँगा, उन 62 से फिर मैं जो है अगले जो वीक में फिर मैं उन रेले टोकन को लगाऊंगा और रेले टोकन जो है वो मैं अर्न करूंगा। तो इस तरह आप लेकर चलें तो आप बग़ैर इन्वेस्टमेंट के जो है ये गेम स्टार्ट कर सकेंगे और रेले टोकन जो है वो अर्न कर सकेंगे। तो चलिए अब हम इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं, फिर हम इसकी गेम प्ले की तरफ चलते हैं। तो एक गेम 3 की है और वीक जीतने पर 5 मिलेंगे, ये बस ध्यान में रखें। हम चलते हैं कैलकुलेटर। तो जी अब हम आ गए हैं अपने कैलकुलेटर पे। तो जिस तरह कि आपने देखा कि 5 जो है वो रेले टोकन हम अर्न कर सकेंगे एक गेम जीतने पर। तो फ़र्ज़ करें हम 100 गेम जो है वो खेलते हैं तो 500 रेले टोकन जो है वो हम अर्न कर सकेंगे। इसमें से हम माइनस कर देते हैं हमारे जो 300 टोकन हैं, यानी कि जो हमारी फ़ी है 3 रेले टोकन की, हर मैच की जो फ़ी है वो 100 मैचों की 300 बनेगी, तो हमने वो माइनस कर दिया, बाकी बचा 200। अब इस 200 में से हम ये मानकर चलते हैं कि हम 80 मैच जीतते हैं और 20 हार जाते हैं, यानी कि 80/20 की रेशो के साथ। तो 80 मैच अगर हम जीतते हैं तो 20 हारते हैं, तो उन 20 की जो है वो 20 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से तो 60 बनता है। तो 200 में से 60 हम ये भी निकाल देते हैं, तो 140 जो है रेले टोकन हम हर रोज़ जो है वो अर्न कर सकेंगे सिंपल। इसके अलावा आप हर सीज़न के हर सीज़न जो कि एक हफ्ते का होगा उसके अंदर आप 62 जो है वो आपको फ्री में मिल रहे हैं, वो एक्स्ट्रा है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हम 140 का भी सिर्फ लगा लेते हैं हिसाब कि हम डेली कितना जो है वो अर्न कर रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने कॉइन मार्केट कैप पे। तो अब हम यहाँ पर राइट करते हैं 140। तो देखा आपने कि 5.81 यानी कि 5.81 जो है हम डॉलर्स जो हैं वो हम अर्न कर रहे हैं, यानी कि 6-1 डॉलर के लगभग जो है आप डेली जो है वो अर्न कर सकेंगे यहाँ से। तो इसीलिए इसी तरह अगर आप 100 गेम भी खेलें, आप ज़्यादा भी खेल सकते हैं, और ये बिल्कुल शॉर्ट गेम्स हैं, आपके कभी भी आपको टाइम मिले निकालें मोबाइल और आप खेलना स्टार्ट कर दें। तो अगर आप फ़र्ज़ करें 100 से ज़्यादा भी खेल सकते हैं, लेकिन मैं मिनिमम 100 को लेकर चलता हूँ। तो 6 डॉलर हर रोज़ के और 30 दिन यानी कि 180 डॉलर आप सिर्फ इस गेम से अर्न कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इस गेम के अंदर खेलने की, क्योंकि आपके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही, कोई कुछ नहीं है, सिंपल आपको खेलना है और आपको 180 डॉलर जो है वो आपको अर्न करने हैं। तो इसके अलावा जो दूसरी गेम है सोलिटेयर, उसमें आप इससे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 180 हैं, वहाँ पर आपको 220-240 के करीब वहाँ से भी आप अर्न कर सकते हैं। तो हम उसका 220 मान कर चलते हैं, तो 400 कॉइन जो हैं आप इन दोनों गेम से आप लोग हर रोज़ 2 से 2.5 घंटे देकर दोनों को
आप $400 जो हैं वो अर्न कर सकते हैं। ये अभी सीज़न पास से अलग है। सीज़न पास के हर सीज़न के 60 60 62 टोकन्स जो हैं वो इसके अलग हैं वो। तो अभी हम चलते हैं, एक गेम हम खेलते हैं सिंपल ग्रीन की, ग्रीन जो इनका करेंसी है, इन गेम करेंसी उससे। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन ये है कि हमने 8 पूल बॉल की तरह है ये, लेकिन इसमें मैं आपको चलकर दिखाऊंगा कि इसमें हर जो पोर्ट करेंगे बॉल उसका अलग स्कोर होगा। अगर हम उस स्कोर पे बॉल पोर्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा जो है वो पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, हमारा मैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब ये देखें, यहाँ पर 100 पॉइंट्स, अगर मैं यहाँ पर एक बॉल पोर्ट करता हूँ तो मुझे 100 पॉइंट्स जो हैं वो मिलेंगे इसी तरह। लेकिन ये उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, इसका जो आप देख रहे हैं टेबल बहुत कम जो है वो मूव कर रहा है। 8 पूल बॉल जितना स्मूथ नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि आपको एक अच्छी खासी अर्निंग जो है वो ये देकर जा रहा है। तो और ये हर शॉट के बाद जो स्कोर है वो चेंज होंगे, जिस तरह के अभी ये चेंज हुआ। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा जो है स्कोर वाले पर ही आपको जो है बॉल को रखना है और उसको खेलना है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बॉल जो है वो पोर्ट करनी है कम टाइम में। ये देखें बिल्कुल, ये थोड़ा स्मूथनेस इसकी थोड़ा सा मसला करेगी आपको भी। ये मैंने मिस हो गई ये शॉट, सिर्फ इस 8 पूल का तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, तो इस वजह से। ये भी 100 के अंदर, तो हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह रहा है, हमारे टाइम कम है। और एक और बात है कि अगर आप एक बॉल से शॉट लगाते हैं और दूसरी बॉल जो है वो पोर्ट होती है, तो उसका जो है आपको डबल जो है वो बोनस मिलेगा। अगर मेरी ये शॉट हो जाती है तो मैं आपको दिखाऊंगा, जिस तरह ये देखें 100 मेरी उसके थे और 100 जो है मुझे वो ऊपर मिले हैं जो कि मेरा बोनस है एक किस्म का। तो ये भी आप अपने जहन में रखिएगा। तो अभी मैं ये 100 वाले को खेलना ट्राई करूंगा ताकि अगर ये चली जाए तो ये भी हो गया है। तो आपने ज़रा जल्दी करनी है क्योंकि टाइम थोड़ा कम होगा। बाकी ये है कि इसका थोड़ा सा टेबल की स्मूथनेस और ये सिस्टम का वो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होगा, लेकिन ये है कि आप इसके ऊपर आदी हो जाएंगे। बाकी जो है इससे जब एक अर्निंग हो रही है तो हम क्यों ना इससे फ़ायदा उठाएं। आपके सामने सारा स्नैरियो है, कितनी अर्निंग है, किस तरह है। और अभी 17 सेकेंड पड़े हैं, हमारी लास्ट शॉट पड़ी है। जिस तरह हमने स्टार्ट किया था लग नहीं रहा था कि हम गेम कंप्लीट कर लेंगे। ये नहीं जी, हमारी हो गई है गेम कंप्लीट। 760 पॉइंट्स हुए हैं और ये मैं जीत भी गया हूँ। दूसरे के सिर्फ 250 पॉइंट्स हुए थे और हम जीत गए हैं। 62 XP, अगर आप हारते भी हैं फिर भी आपकी XP जो है लेवल की वो तो वैसे ही बढ़ती रहेगी, आपको सिर्फ प्ले करना है। बाकी अब हम अपना रिवॉर्ड कलेक्ट किया हमने और हम बैक आ जाते हैं। तो सिंपल, ये इतनी एक सिंपल सी गेम है, इसके अलावा जो है इसके अंदर इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी ये कॉन्टेस्ट है और बाकी ये जो है ये सिंपल, आपको प्राइस अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ प्लेयर्स होंगे उनके साथ आपके मैचेस होंगे, उसमें आप ज़्यादा, जाहिर सी बात है ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा अर्न कर सकेंगे। तो इसके अलावा अब हम चलते हैं इसकी सेकंड गेम पे, सॉलिटेयर, जिसके बारे में उनको ये जो गेम है ये थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इस लिहाज से है कि इसमें एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर आपके सारे मूव्स जो हैं वो बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं और आप आगे मूव नहीं कर सकते बिल्कुल। इसका जो इंटरफेस है सेम उस ऐप जैसा है सारा कुछ, और लेकिन इसमें जो है रेरे टोकन की जो अर्निंग है वो आप 10 से आप स्टार्ट कर सकेंगे
और 18 टोकन जो है वो आपको विन पे मिलेंगे। थोड़ा सा ये डिफरेंस है, बाकी ये रेशो वही रहेगी सिंपल, और इसकी रेशो थोड़ा सा कम है, उसमें 20 टोकन देकर आपको 40 मिल रहे हैं, इसमें 25 देकर आपको 40 मिल रहे हैं। बाकी सेम वैसे ही 62 टोकन जो है रैली टोकन आप यहाँ से सीज़न पास से अर्न कर सकेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ यही मसला है कि सॉलिटेयर गेम में कि वो आगे जाकर किंग या क्वीन पीछे रह जाए या आप गेम आगे मूव ना कर सकें आपका, तो बाकी और कोई सीन नहीं है इसका। तो इसलिए मैं भी आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आप 8 बॉल पूल खेलें, क्योंकि उसका टाइम भी काफ़ी होता है, आप आराम से शॉट्स जो हैं वो प्ले कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि उसके अंदर आपको जो है वो जीतने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, और आपके अंदर कोई ऐसा अनलकी फैक्टर भी नहीं है कि आपको कोई ऐसी गेम मिल जाए सोलिटेयर की तरह जो कि आगे मूव ही ना कर सके। तो अब हम देख लेते हैं कि हम इस गेम का जो अकाउंट है वो किस तरह क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने ये जो इनका साइट है वो ओपन हो जाएगी। अब इस साइट के ऊपर आपने सामने ही आपको जो है साइन अप का आ जाएगा और फ़ोन नंबर आपसे मांगेगा, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपने उधर एंटर करना है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि आपने +92 तो होगा, कोड कंट्री होगा, उसके साथ जो है आपने वो अपना नंबर 3 से स्टार्ट नहीं करना, आपने 03 अपना यानी कि टोटल नंबर जो है वो डायल करना है वहाँ पर। तो उसके बाद जो SMS है वो अक्सर इस तरह होता है कि व्हाट्सएप के ऊपर रिसीव होता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि आपको हो सकता है कि आपको व्हाट्सएप के ऊपर आए। तो बाकी ये है कि इस तरह आप लॉगिन जब आप साइन अप कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, तो इसके ऊपर आप आराम से अपना देख सकेंगे। और इसके बाद आप अब मेटामास से जो है वो अपना वैलेट जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मेटामास का वैलेट नहीं बना हुआ तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी है, या आप रैंडम किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखकर मेटामास का जो है कीवी ब्राउज़र में जो है एक्सटेंशन जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये है कि आप यहाँ पर अपने रैली टोकन देख सकते हैं दोनों गेम्स के, और उसके साथ ही आप अगर कोई भी कलेक्टेबल यानी कि NFT वगैरह है, जैसे कि आप टेनिस चैम्पियनशिप टेनिस गेम जो है वो आ रही है, तो उसके NFT वगैरह अगर आप बाय करेंगे अभी तो वो यहाँ पर आपको शो होंगे, तो अगर आप कोई भी बाय करना चाहते हैं वो आप बाय भी कर सकते हैं। तो बाकी ये है कि आप जिस भी गेम का जो है आपको जो ऐप का डाउनलोड का लिंक है वो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में ही पेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करें। और फिर आपको हर ऐप की लॉगिन पे आपसे सेम वही फ़ोन नंबर मांगेगा, आपने 03 के साथ ही फ़ोन नंबर डायल करना है, और ये याद रखना है कि सब पे एक ही फ़ोन नंबर देना है ताकि आपका अकाउंट तीनों पे यानी कि दोनों गेम्स और ये एक ये साइट जो है इनका वैलिड जो है इसके ऊपर सेम रहे। तो ये है कि आप बस इतना ही करना है और इसके बाद आपका सारा जो है वो कनेक्ट हो जाएगा आपस में, तो आप चाहे दोनों गेम्स खेलें चाहे एक खेलें वो आपके ऊपर है, वो आप जोन से खेलना चाहते हैं। मैं सारे लिंक्स वगैरह जो है वो डिस्क्रिप्शन में, तो इस गेम को मैं इतना रिकमेंड भी नहीं करूँगा, और आप उसी के साथ ही लेकर चलें। और अगर आपको उसमें कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो बाकी ये है कि अगर उसके अंदर कोई भी अपडेट आती है या इस प्लेटफॉर्म की कोई नई गेम जो है वो ये लोग लेकर आते हैं तो वो भी मैं आपको उसके साथ के साथ ही आपको रेगुलर अपडेट करूंगा। नई गेम जो है वो इस वक्त टेनिस होगी, टेनिस जो नेक्स्ट गेम है उन्होंने पब्लिश की है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि इसका कोइन भी साथ के साथ बढ़ रहा है, तो वो भी इंशाल्लाह आएगी तो उसके साथ ये ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा। तो अगर ये कोइन और ऊपर जाता है तो आपके जाहिर सी बात आपका जो अर्निंग है डॉलर्स में वो भी ऊपर जाएगी। तो चलें आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की कहीं पर इस गेम में परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने अगले गेमिंग प्लेटफॉर्म की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।